अपनी आंखों के सामने जो दृश्य आप देख रहे हैं वो किसी नदी तालाब का नहीं बल्कि रायपुर रानी क्षेत्र के गांव टोडा का है, जहां सरकार और प्रशासन की अनदेखी के कारण ग्रामीणों को अपने घर में जाने के लिए कड़ी मुश्किलें झेलनी पड़ रही हैं। रायपुर रानी क्षेत्र के गांव टोडा के ग्रामीणों को बरसात के कारण अपने घरों व पशुओं के बाड़े तक आना जाना मुश्किल हो गया है। ग्रामीण कुलदीप सिंह गुरमीत सिंह ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि सरकार और प्रशासन की अनदेखी के कारण आज उनकी ये स्थिति हो गई है कि वो नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। मैं कुलदीप सिंह गांव टोडा निवासी, और ये लोग आप लोग हमारे जो मकान है इनके पास का मंजर देख ही रहे हैं। ये किसी नदी तालाब या समुन्द्र का मंजर नहीं है, ये हमारी मकानों के पास का जो है मंजर है। और हम लोग बहुत बार प्रशासनिक अधिकारियों को लिखित रूप में इसकी शिकायत दे चुके हैं, आश्वासन के अलावा हमारे को कुछ नहीं दिया जाता। एक साल से इस समस्या से हम लोग जूझ रहे हैं और अभी तक इस समस्या का कोई समाधान जो है निकल के सामने नहीं आया। हमारी प्रशासनिक अधिकारियों और प्रशासन से ये बेनती है कि इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाए, या फिर हमारे लिए कहीं दूसरी जगह मकान बना दिए जाए और ये हमारे मकान जो हैं सरकार अपने पास रख ले। मैं गुरमीत सिंह टोडा निवासी, पानी से बहुत तंग आया, अंदर तर सका तो ना मरा। जो भाई ये देख सकते हैं ये हालात हैं, ये मकान है, इस मकान के ये हालात हैं और इस मकान के ये हालात हैं और इस मकान के ये हालात हैं। और ये स्वयं गुरमीत सिंह जी का मकान है। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।